अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ एमी रेसिपी। आई होप कि आप सब अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक होंगे। तो आज मैं प्रिपेयर कर रही हूँ बहुत ही इजी सी और बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी। तो इस डिश का नाम है बटर नान। बहुत आसान सा है प्रिपेयर करना, प्लस इंग्रेडिएंट भी बहुत आसान सा है। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो यहाँ पर पहले हम प्रिपरेशन देख लेते हैं इस डिश को बनाने के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट इंग्रेडिएंट मैंने ले लिया है वर्म वाटर, जो पानी होता है वर्म वाटर, तो वो है हाफ कप। और नेक्स्ट स्टेप है ईस्ट 1.5 टेबल स्पून, ओके। और नेक्स्ट स्टेप पे मैंने ले लिया है शुगर 1.5 टेबल स्पून, यानी चीनी जो होती है। तो नेक्स्ट स्टेप है इसको लीड लगाकर सिर्फ वन मिनट तक इसको रेस्ट पर छोड़ देंगे। तो आफ्टर 1 मिनट्स आप देख सकते हैं जो ईस्ट है वो फूलना शुरू हो गई है। तो यहाँ पे मैंने 3 कप ऑल पर्पज़ फ्लावर ले लिया और ग्राम में है 500 ग्राम मीन्स मैदा। तो इसको अच्छी तरह छान लें, यानी स्टर कर लें। तो यहाँ पे मैंने साल्ट ले लिया है 1 टीस्पून, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट है मिल्क पाउडर 2 टीस्पून, तो ये डाल दें और सारे इन्ग्रीडियंट को अच्छी तरह स्टर मीन्स मिक्स कर लें, जैसे हमने डो बनाते हैं उसी तरह, बट इस डो को बहुत सॉफ्ट सा हल्के हाथों से प्रिपेयर करना है, यानी नीड करते हुए इसको अच्छी तरह डो प्रिपेयर कर लेना है। और यहाँ पे वर्म मोटर ही यूज़ करेंगे पूरा प्रोसेस में, जितना हम डो बनाएंगे उतने पूरी प्रोसेस में ना वर्म मोटर का यूज़ करेंगे। और इसको थोड़ा थोड़ा वाटर डालकर, यानी जब पानी डालकर इसको अच्छी तरह नीड करते हुए सॉफ्ट सा डो बना लेंगे, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉफ्ट सा डो बनना शुरू हो गया है। तो मेरे पास यहाँ पे बटर है 2 टेबल स्पून, अमूल बटर या कोई भी बटर ले सकते हैं, तो वो डाल दें। तो इससे क्या होगा, जो डो है वो हाथों पर स्टिक नहीं होगी और बहुत सॉफ्ट सा डो बनकर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकती है रेडी हो गया है, मीन्स नान बनाने के लिए जो डो है वो रेडी हो गया है। बस इसको रेस्ट के लिए रखना है। तो मेरे पास यहाँ पे रैपिंग पेपर है, आप चाहे तो फॉइल पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको ना अच्छी तरह रैप कर लेंगे ताकि जो ईस्ट है वो डो में मिक्स होके अच्छी तरह राइज हो जाना चाहिए, मीन्स वर्म होके जो ईस्ट जो होता है वो राइज होती है। तो इसलिए इसको ऐसे ढक कर रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसको ना बस 1 आवर के लिए रेस्ट पर रख देंगे और इसको वर्म प्लेस पर रखना है, ओके। जो गर्म जगह होती है हॉट सा, वो जगह पर रखना है। तो आफ्टर 1 आवर आप देख सकते हैं यहाँ पे माशाल्लाह से जो डो है, जो हमने ईस्ट डालकर जो डो प्रिपेयर कर लिया था वो राइज होना मीन्स राइज हो गई है। जो हमने डो प्रिपेयर कर लिया था उसका डबल हो गया है। तो उसको सॉफ्ट सा उसको हल्के हाथों से नीड करते हुए मिक्स करते हुए जो बाउल है उससे ट्रांसफ़र कर लेंगे रोलिंग बोर्ड पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे टेक्सचर आया है माशाल्लाह से, एकदम सॉफ्ट सा डो बन गया है। तो रोलिंग बोर्ड पर थोड़ा सा डस्ट मीन्स जो मैदा होता है वो थोड़ा सा डस्ट कर लें, यानी ऑल पर्पज़ फ्लावर डस्ट कर जो डो है उसको ट्रांसफर कर लें बाउल से। तो इससे क्या होगा, जो डो है वो स्टिक नहीं होगा रोलिंग बोर्ड पर और अच्छी तरह नीड करते हुए सॉफ्ट सा डो भी बन जाएगा। तो उसको अच्छी तरह नीड करते हुए मीन्स मैदा डस्ट करते हुए अच्छी तरह नीड कर ले, सॉफ्ट सा डो प्रिपेयर कर ले और इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर ले। मीन्स जो बॉल्स बनाएंगे, जो पेड़ा बनाएंगे वो बस इक्वल बॉल्स बन जाना चाहिए, इसलिए तो उसको इक्वल पार्ट्स में पहले डिवाइड कर ले, उसके बाद इसका बॉल बना ले। मीन्स जो पेड़ा होता है, जैसे नॉर्मली चपाती वगैरह बनाने के लिए हम बनाते हैं पेड़ा, उसी तरह, बट इस और क्या है, इसमें क्रैक नहीं होना है, बस सॉफ्ट सा बॉल बन जाना चाहिए। और इस पर एक प्लेट ले लिया, उस पर मैदा डस्ट कर लिया और जितने हमने बॉल बना लिया था वो सारे बॉल प्लेट में रख दें और थोड़ा सा मैदा डस्ट करके जिसे हम नॉर्मली चपाती बनाते हैं उसी तरह हल्के हाथों से इसको रोल कर लें, यानी राउंड शेप दे दें अच्छी तरह रोल करते हुए। और जैसे हम चपाती बनाने के लिए एकदम थिक थिन बनाते हैं तो इसको थोड़ा सा थिक रखना है बस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे थिकनेस भी बताया है आपको, तो आप देख सकते हैं इसी थिकनेस में सारे जो नान है वो प्रिपेयर कर लें, यानी रोल कर प्रिपेयर कर लें। तो ये बनकर रेडी है। तो नेक्स्ट दूसरी मीन्स नेक्स्ट नान जो है वो भी प्रिपेयर कर लेंगे इसी तरह, थोड़ा सा मैदा डस्ट कर रोलिंग बोर्ड पर उसको अच्छी तरह रोल कर राउंड शेप दे देंगे और थिकनेस जो है इतनी ही रखना है, जितना हमने पेड़ा बनाया था उतने सारे नान बना ले। तो मेरे पास यहाँ पे है पैन, इसमें हम इसको सेक लेंगे। तो मीडियम फ्लेम पर रखकर इसको जो हमने नान बना लिया था वो ट्रांसफ़र कर ले पैन में।
और मीडियम ही फ्लेम रखे, और ना ही इसको ऑयल की ज़रूरत है ना ही बटर की। तो यहाँ पे अब जैसे हम नान डालते हैं जैसे स्पॉट्स आ रहे हैं राउंड बबल्स टाइप में, तो ये साइन होती है को नीचे की जो सरफेस होती है वो कुक हो गई है, तो उस साइन में इसको लिफ्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नीचे का सरफेस जो हमने लिफ्ट कर लिया था उस पर ना गोल्डन स्पॉट्स आना शुरू हो गया, तो ये साइन है कि वो जो नान है वो अच्छी तरह सीखना शुरू हो गई है। तो हल्के हाथों से इसको प्रेस करते रहें, जितना हमें प्रेस करते हैं हल्के हाथों से तो उतनी ही जो नान है फूल कर रेडी हो जाएगी। तो ये रिज़ल्ट किसका है पता है, जो हमने ईस्ट ले लिया था वॉर्म वाटर से जो हमने आटा गुना था, तो इसका रिज़ल्ट ये है कि जो नान है वो माशाल्लाह से फूल कर रेडी हो जाती है। और इसको हार्ड जैसे होता है उस टाइप में इसको बनाना नहीं है, बस सॉफ्ट सा गून कर सॉफ्ट से रो मीन्स जो नान होती है वैसे प्रिपेयर कर कर बहुत ही अच्छी हाथ बहुत ही अच्छी तरह इसको सीख कर, तो ये साइन होती है कि जो नान है वो बहुत ही सॉफ्ट सी बन जाती है और बहुत आसानी से फूल जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको ऐसे ही लिफ्ट करते हुए प्रेस करते रहे और इसके ऊपर जैसे गोल्डन स्पॉट्स आते हैं, तो ये साइन होती है कि जो नान है वो सीखना शुरू हो गई है, प्रिपेयर होना शुरू हो गई है और बनकर भी रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नान भी, तो इसको ना बटर चिकन के साथ, कीमे के साथ या वेज कौरमा के साथ या बटर चिकन के साथ तो सर्व कर सकते हैं, एज अ साइड डिश भी सर्व कर सकते हैं लंच के टाइम डिनर के टाइम। एक बहुत यूनिक सी रेसिपी है, जैसे रेस्टोरेंट में मिलती है उसी टाइप में, बट माशाल्लाह से उससे ज़्यादा टेस्टी आएगी, आप प्लीज़ ट्राई करके देखना। ओके, और इस वीडियो के रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट करना। ओके, तो यहाँ पे माशाल्लाह से सारे नान जो है रेडी हो गए हैं, तो इस पर मैंने बटर ग्रीस करना शुरू कर दिया, और जितना आपने बटर लगाते उतनी ही टेस्टी बन जाएगी। तो आप बटर लगा लें सारे नान पर, मीन्स ऊपर की जो सरफेस होती है उस पर, तो माशाल्लाह से आप देख सकते जो बटर है वो भी जैसे हॉट जो होती है मीन्स गर्म जब होती है नान तभी उसको बटर लगाना है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी, जिस शेप में आप लाएंगे नान को उसी शेप में हो जाएगी। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे फोल्ड भी कर रही हूँ तो फिर भी थोड़े से क्रैक भी नहीं हुआ है, टूटी भी नहीं है थोड़ी सी, तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इतनी सॉफ्ट सी है। तो प्लीज़ ट्राई करें, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही बहुत आसान से वीडियोज़ भी मेरे चैनल पर अपलोडेड है तो वो भी जाकर चेक करें। आई होप कि वो भी हेल्पफुल रही होगी आपको भी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। ओके, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।